हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। सो एक बार फिर से जोड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं आपके, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो क्या है आपका इन्फॉर्मेटिव रहने वाला। साथ ही वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर अपने बहुत सारे डाउट्स को भी आप क्लियर हो रहे हो ऐसा देखेंगे। तो लगभग ऑलमोस्ट जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पर क्या है कि एसटीए बी वाली जो पोस्ट थी उसका यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो गया है। आज आपका फर्स्ट डे था एग्जाम का, और जो एग्जाम रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो भी रिव्यूज वगैरह देखें तो उनका एग्जाम क्या है कि उनके सिलेबस से जितना उन्होंने पढ़ा है करंट अफेयर्स वगैरह या फिर जो भी उनका लेवल से जो एग्जाम था वो काफी अच्छा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर काफी देखने के लिए मिल रहे हैं उनके। तो देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका एग्जाम था, लेकिन इससे क्या है जो एनालिसिस आपका यहाँ पर मिला है तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स काफी यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर कि उनके पास देखिए अभी ना तो उनका कोई एडमिट कार्ड आया है ना ही उनका क्या कोई रिजेक्शन लिस्ट अभी तक देखने के लिए मिली। तो उनका क्या है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि एक मंथ में वो यहाँ पर तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिये आपका जो एग्जाम होने के चांसेस है वो आपके दिसंबर या फिर जनवरी के मिड में। तो देखिये, या तो दिसंबर की लास्ट से आपके यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे या फिर आपका क्या है कि जनवरी फर्स्ट वीक या मिड में आपके यहाँ पर एग्जाम होंगे। तो अभी भी अगर आप देखोगे ना तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा 1 मंथ है आपके पास, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत अगर आपका क्या है कि जो ट्रेड थ्योरी है वो आपका अच्छा सा है, स्ट्रांग है आपका, तो आप यहाँ पर क्या है कि बेफिक्र रहिए। इस एक मंथ के अंदर 30 दिन के अंदर भी आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो कि आपका जो टायर 1 रहेगा उसे आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए। तो देखिए, वो आप किस तरह से कर पाएंगे इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देख सके, साथ ही यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो क्लियर है सारी चीजें। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स की तो उनका क्या है कि इन चार चीजें एक एक करके आप पॉइंट्स को देखिएगा तो इन चार चीजें जो है मेन फोकस आपका, इन पे आपको क्या करना है, अपना फोकस लेके जाना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको क्या है कि इन चारों चीजों को देखना। अगर यहाँ पर बात करें ना तो 80 मार्क्स का जो है वो आपका ट्रेड थ्योरी, जैसे अगर आप कोपा है, फिटर है, टेक्नीशियन है, टनर है, अगर आप ट्रेड थ्योरी से तो उसमें आपको क्या करना कि आपकी जो आईटीआई वाली बुक है, या अगर आप डिप्लोमा से हैं तो अपने डिप्लोमा की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, बुक पढ़ने से ही आपका सब कुछ नहीं होने वाला, इस चीज को याद रखिएगा। कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है कि 15 चैप्टर्स आपके होते हैं अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड की बात करते हो। तो देखिए, दोनों चीजें आपको पढ़नी। कोपा वाले स्टूडेंट्स के लेकर मैं बात करूं तो उनका जो यहाँ पर C++, साथ में आपका VBA का है और जावास्क्रिप्ट, तो उनकी जो कोडिंग है ना, उनके सॉल्यूशन किस तरह से यहाँ पर करते हैं, कोडिंग का जो बेस है वो आपका किस तरह से होगा, तो ये सारी चीजें आपको फोकस करने की जरूरत है। उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कीजिए, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो है MS Word, Excel, ये सारी चीजें आपकी क्या है कि क्लियर होनी चाहिए। जितना भी फंडामेंटल है ना आपका कंप्यूटर का, वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस जनरेशन में हमने क्या यूज किया, किस जनरेशन में आपने किस तरह से स्टडी की, या कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर आपका किस जनरेशन के अंदर आया है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और आपका यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा तो देखिए 1 घंटे में अगर आप एक चैप्टर को रीड करते हैं या फिर आधा भी करते हैं अगर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लेके, तो उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का अपना क्या है क्विज कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो MCQs की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी वेबसाइट आपकी क्या होती है, सैन फाउंड्री होती, तो आप वहाँ से क्या है कि अपने चैप्टर के हिसाब से MCQs रीड कर सकते हो, क्विज टेस्टेस दे सकते हो, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं आपकी। अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक्स पे भी आप दे सकते हो, अपना मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पर भी कवर कर सकते हो, तो वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है, करंट अफेयर्स को लेके। तो देखिए, करंट अफेयर्स में क्या हो जाता है कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी DRDO न्यूज़ लेटर की। तो देखिए, DRDO न्यूज़ लेटर की जब हम बात कर रहे हैं ना तो वहाँ पर क्या है कि आपको DRDO से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं, जितने भी आपके GK GS के क्वेश्चन वहाँ से बन रहे होंगे, तो वो सारे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जो आपकी सामान्य ज्ञान की यहाँ पर बुक आती, आपने देखा होगा कि अरिहंत की आपकी बुक होती है सामान्य ज्ञान वाली, तो उसे आप वहाँ पर रीड कर सकते हो। जो लास्ट में आपके कुछ 10 से 20 पेजेस हैं अगर आप वहाँ पर देखोगे तो GK GS आपको सब कुछ मिल रहा होगा। GS के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर ज़्यादा में देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपका
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से रीड कर सकते हो, तो उसके लिए आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। और आपका क्या है कि एक महीने की स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा टाइम बना लीजिए कि आपको क्या है कि देखिए अगर आप जॉब वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे तो यहाँ पर देना होगा। हर घंटे आपका एक अलग टॉपिक होगा, हर घंटे आप अलग कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर कीजिए। एमसीक्यू अगर आप करेंगे तो आपको क्या है कि एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपने पढ़ा है और कितने लेवल पे आप यहाँ पर एमसीक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपके करंट अफेयर्स है ना उनको पढ़ने के लिए एक और यहाँ पर आपकी चीज़ है। तो देखिए आपको क्या करना कि अपना गूगल जो है उसे ओपन कर लेना। देखिए साइड में मैंने अपना यहाँ पर क्या है कि गूगल ओपन कर रखा, तो आपने क्या करना है कि सिंपली गूगल पे क्या डालना है, DRDO, ठीक है। DRDO जैसे ही आप डालोगे तो DRDO की जो यहाँ पर वेबसाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जैसे ही आपने देखे वेबसाइट को किया ओपन, तो यहाँ पर आपका क्या है कि DRDO न्यूज़लेटर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, ये जो 3 डॉट्स आपके दिख रहे हैं ना, देखिए ये 3 डॉट यहाँ पर आप करोगे क्लिक, और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे क्लिक, तो देखिए यहाँ पर होम काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं, ये करंट अफेयर्स के लिए और GK से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, DRDO पर करना है क्लिक। ये सेकेंड नंबर पर आपका DRDO है, तो DRDO पे आप यहाँ पर करोगे क्लिक, उसके बाद दिखाई दे रहा होगा हुज हू। तो यहाँ पर देखिए हुज हू में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको DRDO के अंदर जितने भी चेयरमैन हैं आपके जितने भी हैं, आप ये देखिए सारी की सारी लिस्ट आपकी आ रही, इन्हें आपको एक बार देख लेना है कि कौन कौन से नाम आपके यहाँ पर दिए गए और इनकी क्या प्रोफाइल है, आपका क्या थे आपके, तो ये आप एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे। उसके बाद नोडल ऑफिसर ऑफ DRDO सॉरी, और ये सारी क्या है कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो। बाकी देखिए जो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे न्यूज़लेटर को लेके, तो वो आपका क्या है कि करियर और या फिर न्यूज़लेटर के अंदर अगर आप डायरेक्टली भी डालते हो ना DRDO न्यूज़लेटर, तो मंथली वाइज आपको क्या है कि DRDO के न्यूज़लेटर भी आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ से उसे डाउनलोड करके भी उसे रीड कर सकते हो। तो देखिए ये तो आपको करंट अफेयर्स आप किस तरह से लर्न कर सकते हो या किस तरह से आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर एक तरीका है। बाकी GK GS का भी आपका इसी तरह से मैथ आपको क्या है कि जो आपका देखिए सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी, तो जो मैथ के आपके चैप्टर्स दिए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे जो यहाँ क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं, तो मैथ बेसिकली उन्होंने पढ़ा होता है तो उसी से आपके टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे होंगे। बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में आपका बेसिक है, जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिनोनियम्स हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक होंगे। हो सकता है पैराग्राफ आ जाए आपका और उसी के अंदर से आपको क्या है कि कुछ आंसर्स देने होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखिए DRDO की साइट पर भी जो STA B वाली पोस्ट थी उनके लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट ओपन है, तो अगर आप कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए देना चाहते तो वहाँ से देख सकते हो। DRDO की साइट पर जाइए, वहाँ पर आपका मॉक टेस्ट अवेलेबल है और उसे चेक कीजिए और देखिए कि कितना आप नॉन टेक्निकल के पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आप कर पा रहे हो। क्लियर है सारी चीज़ें? तो यही डाउट्स थे जो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। होप सो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मंथ के अंदर आपको अपनी तैयारी करनी, किस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो एटलीस्ट कुछ नहीं, तो आपका क्या है कि अच्छे स्कोर अगर आप नहीं कर पाते हो तो इतना है कि आप यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो टायर फर्स्ट है उसके एग्जाम को तो एटलीस्ट आप यहाँ पर क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी अगर कोई और डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो, कुछ चीज़ें अगर समझ में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि जी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।